इस स्थान को आर्यावर्त चित्रदुर्गा कहते हैं। इसमें जो सारी ये पेंटिंग है सारी हाथों से बनी गई है। ये हमारी एंट्री साइड है, इस तरफ से हम जाते हुए जाएंगे वो एग्जिट साइड है। ये पहला पॉइंट है वेदों के बारे में। जब सृष्टि का निर्माण हुआ उस समय जो मनुष्यों की प्रथम पीढ़ी आई उस समय उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, उनको ज्ञान दिया ईश्वर ने वेदों के माध्यम से। सबसे पहले इन चार ऋषि के हृदय में ज्ञान प्रकटीभूत किया। इनका नाम था महर्षि अग्नि, महर्षि वायु, महर्षि आदित्य, महर्षि अंगिरा। इनको एक एक वेद का ज्ञान हुआ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद। इन्होंने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। तो वो सबसे पहले चतुर्वेदी हुए, चार वेदों की ज्ञाता ब्रह्मा जी हुए। तो ब्रह्मा जी के आपने हर जगह चार मुख देखे होंगे, तो वो कोई चार मुख नहीं है बल्कि वो प्रतीक है कि सबसे पहले चार वेदों की ज्ञाता हुई। ब्रह्मा जी ने जो चार वेद का ज्ञान था उसको आगे दिया, जो नई पीढ़ी थी उसमें दिया, और उन सबने फिर आगे से आगे दिया, तो ये ज्ञान आगे से आगे बढ़ता चला गया। लेकिन ये ज्ञान एक बीज रूप में था, वेदों में सब कुछ था, सारा ज्ञान था, लेकिन एक बीज रूप में था, इसको हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। तो उसके लिए फिर ईश्वर विस्तार समझाने का कार्य किया। योग दर्शन की रचनाकार रहे पतंजलि जी, महर्षि प्राण ने परमाणु की खोज की थी, वैशेषिक दर्शन लिखा था, गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन लिखा था, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन लिखा, वाल्मीकि जी इतिहासकार है, रामायण की रचनाकार, जैमिनी जी ने मीमांसा दर्शन लिखा, वेद व्यास जी ने वेदांत दर्शन लिखा, व्याकरणाचार्य हुए पाणिनि जी, सर्जरी की सबसे पहले शुरुआत सुश्रुत जी ने की थी, और चरक जी ने चरक संहिता लिखा। ये भी वही ऋषि थे, चाणक्य जी, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जी, इनके बारे में आपने सुना होगा। लेकिन भास्कराचार्य और भारद्वाज के बारे में कम सुनने में आता है। भास्कराचार्य जी ने न्यूटन से 500 ईस्वी पहले ग्रेविटी की खोज की, और भारद्वाज जी ने विमान की खोज की। आपने सुना होगा रामायण के समय विमान थे, तो उसकी खोजकर्ता ऋषि भारद्वाज थे। और ये पूरा हमने भगवान श्री राम के बारे में बताया है, रामायण के बारे में जानकारी कहा है। रामायण के बारे में हमको जानकारी तो है, लेकिन हुआ क्या बताते हैं कि आपने देखा होगा कि शुरपुर खाकर लक्ष्मण जी ने राम बाघ काट दिया था, तो वो किस प्रकार से काटा था। वास्तविकता में उसकी नाक नहीं काटी, बल्कि जब वो अपना प्रस्ताव लेकर गई तो प्रस्ताव टुकड़ा दिया, उससे मना करने पर अगर नाक कट गई, मानो ने बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया, तो वही वाली नाक कटी थी। वास्तविकता में उसकी नाक नहीं काटी थी। हनुमान जी को हम सभी जानते हैं, कितने बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, चार वेदों के अखंड पंडित व्यक्ति थे, और इतने बड़े ज्ञानी विद्वान को आजकल एक बंदर बना के दिखा दिया। हनुमान जी बंदर नहीं, वानर थे। वानर का सही अर्थ होता है वन में रहने वाला नर, जंगल में रहने वाला पुरुष। और जो हनुमान जी के पूछ देखते हैं तो पूछ नहीं, पहुँच थी। बड़े बड़े विद्वान उनसे पूछ पूछ के कार्य करते, उस पहुँच का पूछ बना दिया था, और जिससे लंका जलाई थी वो सर में खतियार था, जिसका नाम था लांगुई, जिसको पहन के लंका जलाई। और हनुमान जी के माता जी की पूछ नहीं थी, बाली सुगुरु के पत्नी की पूछ, तो हनुमान जी की पूछ कहाँ से आ जाए, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। और ये पूरा इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में जानकारी का है। हमको पता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक कैद में हुआ था, लेकिन आजकल कारावास बताया जाता है, तो कोई कारावास नहीं था, नजरबंद कैद था, हाउस अरेस्ट था, जिसमें सारी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन दासियां हमेशा उनके 24 घंटे नजर रखती थी। आपने सुना होगा नजरबंद कैद, हाउस अरेस्ट किस प्रकार से होता है, तो वो था ना कि कोई जेल था। भगवान श्री कृष्ण जी के 16 संस्कार हुए, उनमें से यहाँ पे कुछ बताए गए हैं। बचपन का चौर्य के बारे में आपको जानकारी होगी, ये भी आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठ उंगली पे उठाया था, कोई पल को मान भी लिया कि गोवर्धन को उठा लिया, तो वो तो कनिष्ठ उंगली पे टिका हुआ है, उसके साइड में दीवार वगैरह तो है नहीं, तो मान लो जो बारिश का पानी आएगा गोवर्धन तो ऊपर से बचाएगा, साइड में दीवार नहीं, वहां से पानी आएगा सबको बहा के लेकर चला जाएगा, फिर उठाने का मतलब क्या है। उठाया नहीं था, उनका नेतृत्व बहुत तेज था, जैसा वो कहते हैं बाकी सब लोग वैसा करते हैं। श्री कृष्ण ने फटाफट से सबको ले गए, जो कंदराएं थी उनमें सबको सुरक्षित किया, और ये कार्य इतने कम समय में किया कि लोग इतने खुश हुए कि इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से किया, मानो पहाड़ी उठा लिया। जैसे कहते हैं ना कि बच्चों ने इतना शोर मचाया पूरा घर सर पे उठा लिया, उस प्रकार से एक अलंकार था। ये जो पहले के टाइम जो मेवाड़ में जो मुद्राएं चलती थी वो बताई है, ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है, ये महात्मा हंसराज जी है, डीएवी स्कूल के संस्थापक है। आइए आगे मेवाड़ दर्शन है। आइए इस तरफ यह है महाराजा सज्जन सिंह जी। अभी हम जिस महल में खड़े हैं, आप जो पूरा जो गुलाब बाग जो नवरखा जो महल आप देख रहे हैं, ये महाराजा सज्जन सिंह जी का गेस्ट हाउस हुआ करता था। अतिथि गृह था, और इन्हीं के निवेदन से इस महल में यहाँ पे आए थे ऋषि दयानंद जी महाराज।
सारे श्री माता जिस महल में रुके थे और आगे ही बैठ के उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को लिखा था। उस समय तो ये महाराजा सज्जन सिंह जी का गेस्ट हाउस का अतिथि गृह रहा, फिर बाद में कुछ एक साथ सरकार का। अब इस महल को सरकार से ले लिया है या समाज ने इसका इस्तेमाल चलाता है, सरकार का नहीं है, पूरा महल डोनेशन से चलता जाता था। उसके माध्यम से पहले टाइम ये महाराजा सज्जन सिंह जी का गेस्ट हाउस था। और ये सारे जो आर्य समाज के महापुरुष थे जिन्होंने अपना सारा जीवन आर्य समाज के लिए समर्पित किया, ऐसे जो बड़े बड़े महापुरुष जो विद्वान व्यक्ति थे आर्य समाज के, उन सभी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। और ये सारी प्रमुख पुस्तकें जो वैदिक साहित्य है, ये तो आपने मूवी देखी जिसकी, ये सारी प्रमुख पुस्तकें वैदिक साहित्य।